हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल यानी कि पॉइंट होता है, यानी कि हमें 36/100 को पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। ये फर्स्ट पार्ट है ना, तो इसको हम पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देख सकते हो नीचे 20 है, दो डिजिट के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि 0.36 आएगा इसका आंसर। आगे बोल रखा है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है, तो हमें बताना है ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो कितने टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, देखो यहाँ इसमें दे रखा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं जिसकी सिंपल भाषा में बताऊं तो करेक्ट वैल्यू आ जाए, जिसकी करेक्ट वैल्यू, जैसे कि ये 0.36 का है, एक करेक्ट वैल्यू है इसमें, क्या ना ही से आगे कोई वैल्यूज बढ़ेगी है ना, ऐसे तो नहीं 0.36 36 36 36 36 36 या फिर 0.3। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 0.360198 और उसका फिर से ये 3 से शुरू हो जाए, फिर 360198 फिर 36, यानी कि क्या अनलिमिटेड बार वही चीज सेम टू सेम रिपीट होते जा रही है ना, तो वो चीज ना हो तो वो होती है टर्मिनेटिंग, जैसे कि करेक्ट वैल्यू हुई 0.36, ना ही इसके आगे कुछ नंबर मतलब कि अनलिमिटेड टाइम चल रहा है, ना ही पीछे कुछ चल रहा है, तो ये क्या हो गई, ये करेक्ट वैल्यू हो गई एक, तो इसको ऐसी ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने जो बताया एग्जांपल, अगर 0.36 है तो 0.36 36 36 36 या अनलिमिटेड टाइम चलता जाए, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 0.36 बार लिख देते हैं इसको। ठीक है, कि अनलिमिटेड टाइम ऐसी 36 36 36 ऐसी चलता जा रहा है, ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्या है, ये तो हमने समझ लिया, ये तो टर्मिनेटिंग है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 1/11। ठीक है, 1/11 को अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा, इस डिवाइड के में 1 अंदर आएगा और 11 बाहर जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तो ये जा नहीं सकता, डिवाइड हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो आ गया यहाँ पर, अभी भी नहीं जा रहा है, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैंने फिर जीरो लगाया, फिर यहाँ पर एक और जीरो आ गया, तो अब जा सकता है 11 9 99 लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। अब देखो पहले भी यहाँ पर 1 था, अब फिर से 1 आ गया, फिर से क्या है, फिर से जो डेसिमल का पॉइंट है उसका 0 आएगा, फिर एक और 0 लगा के यहाँ पर एक और 0 आ गया, वही चीज बन गई, फिर 11 9 99 आएगा। ठीक है, ऐसी वैल्यूज क्या है, इन वैल्यूज को हम कहते हैं, देखो अभी तो एंड तो होगा नहीं, ये 0.09 0.09 0.09 0.09 ये चलती जाएगी, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो 1/11 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 1/11 = 0.09 के ऊपर ऐसे बार लगा देना। ठीक है, इसका मतलब हो गया अनलिमिटेड टाइम चले जा रहा है, और लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर क्या गिवन है, थर्ड पार्ट है हमारा 4 होल 1/8। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, 8 × 4 होगा, फिर प्लस 1 होगा, तो 8 8 4 = 32 प्लस 1 33/8 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं आप, 1 वाली, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 वाली वैल्यू भी अंदर लिखी गई थी, तो यहाँ पर 33 भी अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सबसे टॉप वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को अंदर लिखना है, डिनोमिनेटर को बाहर लिखना है, ये याद रखना है। तो 8 4 = 32 हो गया 1, और यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो यहाँ पर आ गया 0, और 0 आ गया यहाँ पर, तो 8 1 = 8 9 10 2 आ गया पॉइंट का, यहाँ पर फिर से 0 आ गया यहाँ पर, है ना, पॉइंट का 0। अब क्या है, 8 1 = 8 8 2 = 16 8 2 = 16 यहाँ पर आ गया हमारा 4। ठीक है, 4 आ गया, देखो अब यहाँ पर क्या दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो ये लाइन होगी, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और डेसिमल का यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 8 5 = 40 होता है, 8 5 = 40 हो जाएगा, आ गया यहाँ पर हमारा 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो ये क्या आ चुकी है, ये करेक्ट वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 होल 1/8 क्या होगा, 0.0 क्यों होगा, ये क्या लिखा है, 4.125 ये आ चुकी है इसकी करेक्ट वैल्यू। तो ये यहाँ पर क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है, इसके आगे अब ये नहीं बढ़ सकता। तो इसी के साथ हमारा थर्ड तीन पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम करते हैं आगे के पार्ट्स। अब हमें यहाँ पर फोर्थ पार्ट दे रखा है 3/13। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर तो अंदर आता है, ठीक है, तो मैं इसके बस डायरेक्ट वैल्यूज लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि मतलब कि इसको मैं इसका आंसर निकाल के इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, कॉपी में इसको डिवाइड करते हुए भी दिखाना है।
तो 3 तो अंदर आएगा, 13 बाहर आएगा, डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब जा सकता है, तो 13 कितने आ जाएगा, ये 13 टू जा 26, माइनस करते हैं तो इसका माइनस करके आएगा आंसर 4, पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पर 0, तो 13 थ्री जा कितना होता है 39, यहाँ पर आ जाएगा 1, पॉइंट का 0। अब देखो अभी जाएगा नहीं है दोबारा से, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा, तो 37 जा 91, अब यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 9 और पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पर 0, तो 36 जा कर देते हैं, 36 जा 78, माइनस करते हैं, अब आएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 1 और पॉइंट का यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 39 जा अब करके देखना पड़ेगा, 39 जा कितना होता है 117, अब इसको माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 3 और पॉइंट का 0 आएगा, यानी कि 30 आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे अब नहीं दिख रहा होगा, हाँ तो 30 आ गया यहाँ पर। अब मैं 30 को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इस 30 को इसी 30 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब किससे जा रहा है, 13 टू जा से जा सकता है, ये 6 और 2 26 आया यहाँ पर, ठीक है, 26 तो 6 गए, 4 बचा, 4 आया यहाँ पर 4, ठीक है, पॉइंट का, ये पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 आ गया, तो 13 देखो 13 9 जा 13 3 जा होता है 13, देखो ये तो 2 पहले से लिख रहा था, 13 3 जा 39, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था ना 13 3 जा 39, तो यहाँ पर ये फिर से 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 यहाँ पर दोबारा बचा है। देखो अब जहां से हमने कहां से स्टार्ट करा था, देखो यहां से हमने करा था स्टार्ट, दोबारा से ये मतलब 39 आया था, फिर 1 आया था, फिर ये पॉइंट की वजह से 0 आया, फिर से हमें 0 लाना पड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर भी 23 है, तो यानी कि इसके बाद फिर ये 0 लगेगा, है ना, पॉइंट का एक 0 उतरेगा, फिर ये 0 का 0 उतारेंगे, फिर 13 7 जा क्या लिखा था हमने, 91 लिखा था, फिर इसके नीचे भी 91 लिखा जाएगा, 13 7 जा, तो एक चीज क्या चल रही है, ये रिपीटेड हो रही है बार बार, ठीक है, ये चीज आगे चलती जाएगी, 7 है, फिर 6 है, यहाँ पर भी 6 से जाएगा, फिर 9 से जाएगा, फिर से 23 ऐसे जाता जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 3/13 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.230769 के ऊपर बार, यानी कि रिपीटेड ऐसे चलता जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमने कर लिया अपना फोर्थ पार्ट कंप्लीट, अब हम करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट, अब हम कर रहे हैं अपना सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट है हमारा 2/11, ठीक है, 2/11 है, तो इसको मैं यहाँ पर बॉक्स बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, यहाँ पर लिखूंगा 11, यहाँ पर मैंने लगाया पॉइंट, यहाँ पर आ गया 0, तो 11 बन जाए 11 कर दूंगा यहाँ पर, 11 बन जाए 11, कितना हो गया ये 11 9 बचा यहाँ पर, ठीक है, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 आया, 11 8 जा कर दूंगा, 90 में से 88 गए, तो बचा यहाँ पर हमारा 2, पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक और 0 आया, तो 11 1 जा 11 ही करना पड़ेगा, 11 1 जा 11, तो यहाँ पर बचा हमारा यहाँ पर 9 और पॉइंट की वजह से आ गया यहाँ पर 0, तो फिर से 11 8 जा 88 करना पड़ेगा, फिर से 2 आएगा, फिर से पॉइंट का ऐसे ही 0 उतरेगा, फिर 11 1 जा 11, यानी कि क्या ये दोबारा रिपीट होती जाएगी, 18 फिर 18 18 18 18 ऐसे ही चलता जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है 2/11, तो 0.18 के ऊपर बार ये ऐसे ही चलता जाएगा, और इसको हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी हो गया कंप्लीट, तो इससे पहले हमने वो जो 6 पार्ट लिख रहा था वैसे वो 5th पार्ट था, अब ये क्या हमारा 6 पार्ट है, ठीक है। 6 पार्ट में भी देख सकते हो क्या लिखा है, 329/400, तो इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या कहते हैं 400, 329 तो अंदर आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर अंदर आता है और डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है। तो अब देखो कितने से आएगा, ये तो जान ही रहा है ये इससे बड़ा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लाएंगे तो यहाँ पर 1 0 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो 408 जा करते हैं, अब 408 जा होता है 3200, ठीक है, और 0 9 90 बचा यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट की वजह से एक और 0 आ जाएगा यहाँ पर, एक मिनट ये हटा देता हूँ, 0 आ गया, तो 400 कितने जा 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 और इसके 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर बचा हमारा 100 और ये पॉइंट की वजह से एक और 0 आ गया, ये हो गया हमारा 1000, ठीक है, एक मिनट 1000, ठीक है 1000 हो गया। तो अब देखो किससे जाएगा, फिर से 8 से जाएगा, 4 2 जा 8 लिख देंगे, 800 हो गया दोबारा यहाँ पर, तो 0 0 7 8 2 200 बचा, तो 200 और यहाँ पर पॉइंट की वजह से एक और 0 आ गया, तो 4 5 20 होता है, तो 20 और इसके 2 0 फिर से यहाँ पर 2 0 ये हो जाएगा हमारा, कुल मिला के 0 ही आएगा, ठीक है, 0 आ गया,
अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया और देख सकते हो करेक्ट वैल्यू आई, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके आगे टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो 00 इक्वल टू 0.8225, ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।